वहीं प्रदेश में 76% आरक्षण का मामला उलझता ही जा रहा है। राज्य सरकार लगातार राजभवन पर आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। इस बीच राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। राज्यपाल ने कहा है कि मार्च तक इंतजार कीजिए। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को विशेष विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के बाद से राजभवन में आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर के बिना अटका पड़ा हुआ है। इन सबके बीच रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके का एक बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने ज्यादा तो नहीं कहा, लेकिन जितने भी बातें कही हैं वह अपने आप में काफी बड़े इशारे कर रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि अभी मार्च तक का इंतजार कीजिए, अब इंतजार करिए मार्च का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पत्र लिखा है, नाराजगी जाहिर की है। अरे इसमें नाराजगी क्या, वैसे एक बात है, जब अपने यहाँ कोई कार्यक्रम करा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको बुलाना चाहिए। अब ये तो व्यवहारिक होती है और पता नहीं अब जो भी परिस्थिति होगी उनका ध्यान तो आकर्षित करें। धीरेन्द्र शास्त्री मैं धीरे और जिस तरीके से पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, सनातन का झंडा बुलंद करने की बात करें, उनको लेकर तमाम विरोधाभास हो रहा है। कांग्रेस अलग कुछ कह रही है, बीजेपी अलग कुछ, आप कैसे देख रही हैं? कल आखिरी दिन आप भी जाएंगे क्या? नहीं, देखिए एक बात बता, कौन क्या किस प्रतिक्रिया किसकी है, जिसकी भी भगवान की आस्था है, जिसमें भी वो जो विश्वास करता है, निश्चित रूप से उसके मन में किसी तरह की ऐसी चीज़ें नहीं पैदा होनी चाहिए जो व्यक्ति बिना किसी लालच लोभ और इसके और लोगों को उनको सही मार्ग दिखाने का, उनकी समस्याओं का समाधान करने का, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसमें किसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि मेरे पास भी राजभवन में हजारों लोग आते हैं, मैं उनकी समस्या सुनती और लोग कहते हैं कि मुझे कि राजनीति ना करे, अब उनके बारे में क्या कहें? किसी की समस्या को लेकर किसी का दुख सुनना और उसका समाधान कर देना, तो ये बताइए कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो भगवान के प्रति आस्था रखता है, विश्वास करता है और भगवान उसका कल्याण करता है,